हे एवरीवन, इट्स मी अमीमा शाजी। लो जी, आज हम फिर आ चुके हैं फजल सेंटर शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज हमें शॉपिंग करवा रहे हैं शाजीब अपनी तरफ से और अपने आप को भी अपनी तरफ से। शाजीब अंदर ट्रायल रूम में गए हैं और इसको बेचैनी लगी हुई है। फुल लुक हम आपको दिखाएंगे ई पर। लो जी, ये जाकर ट्रायल रूम में बैठ गया। पता नहीं अंदर इसको क्या मज़ा आ रहा, दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ था। अंदर कौन है? बाबा अंदर चले गए, लॉक हो गए। सारी दुनिया जी मॉल्स में कपड़े और जूते ढूंढने जाती है, मेरा बच्चा बेबीज ढूंढने जाता है। हर जगह जाके कहता है बेबीज किधर है। मम्मी पापा दो, पापा वो नो फील। जी नो फील की लग गई है मोजे, क्योंकि इसको नज़र आ गए हैं टॉयस और इसने ये कार ब्लू देखते ही कहा है कि मुझे ये ब्लू कार चाहिए ही चाहिए, अभी चाहिए, दिलवा कर दो। ब्लू कलर इसका फेवरेट कलर है, इसके पास ज़्यादातर कपड़े भी ब्लू ही हैं। इससे इंतज़ार नहीं हो रहा कि ये घर जाके खोले, इसने अभी शॉप के अंदर ही खोलनी है कार। नीचे नहीं फेंकते, पहले वो रैपर डस्टबिन में फेंको जाके। पहले वो रैपर डस्टबिन में फेंको। ये सबसे मुनफरिद शॉपिंग हो रही है जी, पता नहीं किस किस्म की शॉपिंग है जहाँ पे इस तरह से खेला जा रहा है शॉप्स के अंदर जा जा के। ये देखें आप किधर घुसा हुआ है, किधर घुसे हुए हो। शाजीब अपने कपड़े ट्राई कर रहे हैं और हम यहाँ पर जी खेल रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। पिछली छोटी ईद के ऊपर मैंने ड्रेस लिया था, बिल्कुल सिंपल था, अनस्टिच था, और इस दफ़ा इन्होंने इसको अपडेट कर दिया कढ़ाई वगैरह करके। ये चप्पल मुझे इतनी अच्छी लगी, पर शाजीब ने बहुत मजाक उड़ाया मेरा कि ये क्या चीज़ है। लीजिए, शॉपिंग हमारी कंप्लीट डन हो चुकी है, अब शाजीब बिल वगैरह पे कर रहे हैं। ये शॉपिंग के दौरान ही नौकरी को उसके दादा और दादो मिल गए और उनको देखते ही इसने अपनी फरमाइशें शुरू कर दी कि मुझे ये दिलवाओ और मुझे ये दिलवाओ। अच्छा लगा? हाँ जी, तो फाइनली हम घर आ चुके हैं, शॉपिंग हमारी डन हो चुकी है, सिर्फ शाजिब का अब एक जूता रह गया। ये लिया है जी हमने नोफिल का ड्रेस, ये है मेरा ड्रेस, ये कुर्ता है, और इसके साथ हमने पजामा लिया, ये शाजिब का शलवार कमीज है। यह है जी मेरा ड्रेस, ये मुझे बहुत ही पसंद आया था वहाँ पर और मैंने कहा मैंने यही लेना है, यही दिलवा दीजिए मुझे। देखिए इसमें कलर थोड़ा सा ज़्यादा, ये इसका ओरिजिनल कलर, बस ओरिजिनल कलर कैमरे में इतना अच्छा आ नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत प्यारा ड्रेस है। ये इसकी कंप्लीट लुक। ये लिया है जी मैंने इसके साथ ट्राउज़र, ये भी बड़ा प्यारा लगा मुझे। एक और बहुत प्यारा था पर वो शलवार में था, इसलिए शलवार मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैंने यही ट्राउज़र ले लिया। फिर अब बारी आज शादी की शलवार कमीज की, ये भी बहुत प्यारी है, इसका कलर बहुत खूबसूरत था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है इसका, भी थोड़ा सा शाइन में है, ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसका कॉलर बहुत खूबसूरत बना हुआ है।
ये है जी मेरा प्यारा प्यारा सा जूता, जो कि मैच तो किसी चीज़ से नहीं कर रहा, पर मैंने ये ले लिया क्योंकि मेरे पास ऐसा कलर नहीं था, बाकी तो हर कलर है। ये लगी जी नोफिल की दिहाड़ी उसके दादा की तरफ से, वहाँ से मिली है जी नोफिल को ईदी। ये छोटा चुन्नू मुन्नू भी हमारी ईदी देख रहा है। ये है जी वो ड्रेस जो मैंने पिछली छोटी ईद पे लिया था पिछले साल, जो अपडेट हुआ था, ये मैंने खुद स्टिच करवाया था। माशाल्लाह से जी हमारी ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, बहुत खूबसूरत शॉपिंग हुई है जी सबकी। बाबा मम्मा की तरफ से भी जो चीज़ें आई वो भी बहुत प्यारी हैं, और जो शाजी ने हमें चीज़ें दिलवाई जी वो भी बहुत प्यारी हैं। अल्लाह नसीब अच्छे करे, हर एक को इसी तरह पहनना और खुश रहना नसीब करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और ये नोफिल आ चुका है इसको पकड़ने, बाय बाय।